अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से ही काफी तल्ख चल रहे हैं। पहले ही दोनों देशों के बीच ट्रेड वार और साउथ चाइना सी को लेकर टकराव के हालात बने हुए हैं और इसी बीच अमेरिका ने चीन के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने देश के चुनाव में दखल देने और जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया। अमेरिका ने चीन को कड़ी चेतावनी तो दी ही है, साथ ही अमेरिकियों को चीन की वास्तविक मंशाओं से वाकिफ कराने के लिए उपराष्ट्रपति को मैदान में उतारा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के चीन पर दिए गए अहम विदेश नीति भाषण के कुछ ही समय बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चीन को उसकी करतूतों के लिए लताड़ लगाई है। बोल्टन ने यह भी बताया कि चीन की इन गतिविधियों का लक्ष्य निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करना था। बोल्टन के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के बारे में चीनी मंशाओं के बारे में जो जानकारी है, उपराष्ट्रपति ने भी उसी संबंध में कहा है। हालांकि चीन ने शैक्षणिक संस्थाओं, थिंक टैंक के माध्यम से और विद्वानों को डरा धमका कर चुनाव को प्रभावित करने के अधिक से अधिक व्यापक प्रयास किए हैं। अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने को लेकर ये पहली बार नहीं है कि किसी देश पर इस तरह का आरोप लगा हो। इससे पहले भी अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप करने का आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।